नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां आज आखिरी दिन की कार्यवाही जारी है। इस माननीय सदन में, इस मानसून सत्र में देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने 3 दिवसीय इस चर्चा को इस सदन में करवाया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों और दलीय नेताओं का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बाढ़ और सूखा जैसे इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपने अमूल्य विचार यहां पर रखे और सुझाव भी दिए। पिछले 1 घंटे से नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। और ये चीजें दिखाती हैं, मुझे तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे, जहां विधानसभा में सत्र की कार्यवाही जारी थी, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी सत्र में संबोधित कर रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6.5 साल में एक भी नई मंडी नहीं बनी, आज किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो भाई कानपुर देहात जिले की होनहार बेटी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे छोटी सी उम्र में नवी की छात्रा खुशी कश्यप ने बॉक्सिंग की दुनिया में पूरी सफलता के साथ अपना पहला कदम रखा। देखिए रिपोर्ट। 21वीं सदी के जमाने ने उस दौर को कोसों दूर भेज दिया है, जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने की आजादी, बोलने की आजादी, यहाँ तक कि सर उठाकर चलने तक की आजादी नहीं होती थी। जब महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी की कैद में अपना जीवन निकाल देती थी, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब उन्हें न केवल पढ़ाई लिखाई बल्कि खेलकूद में भी पुरुषों के बराबर अवसर मिल रही है, और इन अवसरों का वो बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची इतनी लंबी है कि शायद सबके संघर्ष और सफलता का बयान कर पाना भी मुश्किल है। एमसी मैरीकॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी संधू या साक्षी मलिक, कोई भी नाम अनजाना नहीं है। इन्होंने विश्व भर में अपनी जीत का परचम लहराया है। ऐसा ही एक नाम उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी से उभर कर आया है। प्रदेश की इस होनहार बेटी को छोटी मैरीकॉम के नाम से नवाजा जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में रहने वाली 9वीं की छात्रा खुशी कश्यप ने महज कुछ दिन की प्रैक्टिस में ही स्टेट लेवल बॉक्सिंग में अपनी जगह बना ली है। इस छोटी मैरीकॉम ने बहुत ही कम साधनों के साथ जीत को अपने नाम किया है। जब छात्रा से उसकी जीत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो मैरीकॉम को अपना आइडियल मानती है और भविष्य में मैरीकॉम जैसी ही बॉक्सर बनना चाहती है। इतना ही नहीं, जिले की डीएम नेहा जैन ने भी नन्ही बॉक्सर की बॉक्सिंग स्किल्स का लोहा माना। आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महज 13 साल की ये छात्रा जिलाधिकारी कार्यालय में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर जिलाधिकारी से भी दो दो हाथ कर रही है।
खुशी कश्यप नाम की जो बच्ची है वो बुलंदशहर जा रही है पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरी उससे बात हुई है तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि अभी उसने 10 दिन पहले ही बॉक्सिंग करना शुरू किया। तो अच्छा है कि गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव से जो हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में जो छुपी हुई जो प्रतिभा है वो भी बाहर निकल के आ रही है, और वो बच्चे जिनको जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको स्कूल में भी स्पोर्ट्स के ऊपर इतना फोकस करेंगे वो भी निकल के आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है, और एक बच्ची है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ उसमें भी ये अच्छा मैसेज आता है। इस नन्ही चैंपियन की जीत बयां करती है कि जीत के हौसले और जज्बे के आगे उम्र या सुविधाओं का महत्व कम हो जाता है। लक्ष्य पा लेने की चाहत हर सुविधा तक पहुंचाने का रास्ता दिखा ही देती है। इसका उदाहरण खुशी के रूप में हम सब देख सकते हैं, और यह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। न्यूज डेस्क जनता टीवी। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है, और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है, और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी, और पुराने जो है अनुभवी नेता है शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत शान होती है, आपके साथ अन्याय हुआ है हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं, नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें, और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा तो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था, और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसे है, ऐसा है जिस जहां पे काफी कम बारिश हुई है, और
सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए, अगर हम देखेंगे पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं, यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था, उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है, प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90 फीसदी भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है, नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी, उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है, और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मध्य उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है, इसी का परिणाम है सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है, देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है, देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है, यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है। और 20% अन्न उत्पादन का मतलब ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो
पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा, यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वह मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 384,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था, सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को यह मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64,32,00,000 का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को 20-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3,62,600 से अधिक किसानों को बाढ़ से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया। 21-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपए 13,94,900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उन्हें फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए अपना उन्हें कंपनसेशन दिया। 22-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपए प्रदेश के 12,14,000 से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए जिनमें बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उसके लिए कंपनसेशन दिया है और अब तक 8,400 से अधिक किसानों को प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कंपनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है। महोदय अगर हम देखेंगे तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ और सूखा के साथ साथ अन्य इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और कैसे इनसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में इस बार हमने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई लेकिन 40 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पर सूखे की चपेट में प्रदेश था। काफी बड़े भूभाग में किसान बारिश के लिए इंतजार करता रहा लेकिन बाद में बहुत सारी जगह सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किए, पावर कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की कार्रवाई प्रारंभ की, इस संबंध में शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ, नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारंभ किए और परिणाम धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए बाढ़ पीड़ितों की राहत के भी जो कार्य किए गए जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई पहली बार हुआ है 2017 से। मुझे याद है 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के गांव में और सीतापुर में भी एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया था तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक सूखे ब्रेड उपलब्ध कराए जाते थे, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबांट ज्यादा हो जाता था। मैंने उसी दिन पूछा, मैंने कभी ये क्या राहत में केवल ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा है, सूखा ब्रेड वो खा चलेगा। तो लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं उस दिन सायंकाल 2017 में ही वापस आया, आकर के मैंने स्वयं बैठक ली और हम लोगों ने उस समय तय की एक राहत किट तैयार करने के लिए जिसमें हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा,
10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, गैसलाई, बरसाती, मोमबत्ती, ये सभी केरोसिन, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी वहां पर 26,964 ड्राई राशन किट वहां पर उपलब्ध करवाई गई, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। 2,550 डिग्निटी किट उपलब्ध करवाई गई, 909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने को मिला। सामान्यतः प्रदेश के अंदर जब हम बरसात के एवरेज को देखते हैं 430 mm का एक माना जाता है कि वर्ष भर में 430 mm बरसात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है, लेकिन महोदय आपने लगातार पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता हो या किसी भी अन्य कारणों से, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पे पड़ता है तो अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है कि 401 से लेकर 430 mm की जो एवरेज बारिश की वार्षिक जो एवरेज है उसमें से जून माह से अब तक ही हम लोगों ने देखा कि 353 mm की बारिश तो हुई लेकिन वह एक साथ एक जगह पे मूसलाधार रात्रि भर, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी, 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे, इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी, चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? तो ये तस्वीरें आपने देखी विधानसभा की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे थे। चलिए यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।